नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अयोध्या के विकास के लिए 31,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। पहले अयोध्या की गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी, परिक्रमा करने पर रोक थी, अब भव्य अयोध्या बन रही है। पहले कर्फ्यू का सन्नाटा था, मंगल भवन अमंगलहारी का गान होता है। आज दुनिया भर से लोग अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या की दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। देश का बहुसंख्यक समाज तो सिर्फ 3 स्थानों अयोध्या, मथुरा और काशी की मांग कर रहा था, उसके लिए उसे गिड़गिड़ाना पड़ा। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। काशी और मथुरा को हम कैसे भूल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि हमें खुशी है कि हमने अपना वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। मुख्यमंत्री योगी बोले कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि करके दिखाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि यूपी में अब जितना भ्रष्टाचार है उतना कभी नहीं रहा। अयोध्या में जमीनों की खरीदारी में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार सरकार के संरक्षण में हुआ। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीति जीरो हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 40 लाख करोड़ के MOU साइन करने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि इससे 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। जो उद्योगपति यहाँ आते हैं वही दूसरे प्रदेशों में जाकर कहते हैं कि सबसे पहले दूसरे प्रदेशों में निवेश करेंगे। खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुचित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे भाई। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध तो टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। 5 90 भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है। महोदय, कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था, विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था, कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो। महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके
हम लोग अयोध्या भी गए, प्रदेश के हर जनपद में गए। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। अयोध्या को इसलिए अभिषिक्त कर दिया गया था कि वोट बैंक कट जाएगा, और नोएडा और बिजनौर इसलिए लोग नहीं जाते थे कि वहां से जाने पे कुर्सी से उतर जाएंगे। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर पर, फिर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध क्यों, सबसे ज्यादा घटनाएं उनके ऊपर क्यों, देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश क्यों? योगी आप कहते हैं कि महिलाओं बहन बेटियों के साथ उनके राज में छेड़खानी रेप नहीं होता, दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं, बीएचयू में एक बहन के साथ क्या हुआ कोई आज के समय पे कल्पना नहीं कर सकता, एक बेटी और बहन के साथ क्या हुआ, जो लोग पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं। वो और अध्यक्ष महोदय, कोई आसानी से मुख्यमंत्री के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता, तीनों की फोटो हमारे नेता सदन के साथ। प्रशासन सरकार को पता था लेकिन क्या किया सरकार ने? और मुझे याद है जब खानपुर में एक मां बेटी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था और आग लग करके मां बेटी जिंदा जल गए थे, पिता और उसका भाई देखता था बचा नहीं पाया, जब वो न्याय मांगने गया तो उसके कपड़े उतार दिए गए, वहां के अधिकारियों ने कपड़े उतरवाए। ये जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और उस समय डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन बात की उससे, शिवम ये घटना बहुत ही दुखी करने वाली है, बहुत ही ज्यादा दुख है, हमें पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं, जब से हमने सुना है कार्रवाई कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई 302 की है, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर गंभीरता पूर्वक काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय जो मांगे उस परिवार ने मांग की थी, क्या सरकार ने पूरी कर दी? क्या आरोपियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई? क्या आरोपियों पे सख्त कार्रवाई हुई है क्या? जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं उनके समय पर जीरो लॉ एंड ऑर्डर है, जीरो लॉ एंड ऑर्डर। और एक घटना नहीं, घटनाएं कितनी गिनाई जा सकती हैं, छेड़खानी से तंग आकर 30 छात्राओं ने छोड़ दिया स्कूल, गैंगरेप पीड़िता के बरेली में हत्या, बदायूं में कार्रवाई न होने से हाथ दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की, मैं कितनी घटनाएं बताऊं, खेत गई किशोरी के हाथ बांधकर किया दुष्कर्म, स्कूल में नाबालिग से किया गैंगरेप, नौकरी की तलाश में प्रतापगढ़ पहुंची युवती के साथ गैंगरेप, प्रिंसिपल की अश्लील हरकतें सामने आई तो स्कूल से कटवा लिया नाम, दुष्कर्म पीड़िता ने दी जान, तीसरे दिन शव साथ लेकर थाना घेरने गई, सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित महिला की हत्या, युवती को अगवा कर दुष्कर्म किया, छात्रा को बंधक बनाए तमंचे से बल पर रेप, महिला कांस्टेबल से दरोगा ने किया दुष्कर्म। कितनी घटनाएं मैं बताऊं आपको, न जाने कितनी घटनाएं, और ये सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है। ये सरकार न्यूज कंट्रोल कर रही है, ये सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार। सरकार कह रही कि
180,000 से अधिक जनसेवा केंद्र राज्य में संचालित हैं। अगर इतने जनसेवा केंद्र संचालित हैं तो अपने मामूली विवाद में जमीन को लेकर के किसी को मेरठ में आत्मदाह क्यों करना पड़ रहा है, बाराबंकी में तहसील के ऑफिस में क्यों आत्मदाह करना पड़ रहा है? अगर इतने केंद्र खुले हैं, 180,000 जनसेवा केंद्र, तो मेरठ में आत्मदाह कर लिया, किसान को अपने आत्मदाह करना पड़ा जमीन को लेकर के। और सच्चाई यह है अध्यक्ष महोदय, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए कह रहे थे, इनका जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया। किसी भी मान्य सदस्य से पूछ लीजिए आप, तहसील और थाने में क्या हो रहा है? इतना करप्शन, इतनी लूट कभी नहीं हुई होगी जितनी हो रही है इस समय। सरकार कह रही सोलर को लेकर के बहुत काम करना चाहती है, विद्युत उत्पादन में। वो बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा जो बातें मैं पहले कह चुका हूं कि अभी तक इस सरकार ने कोई भी थर्मल प्लांट नहीं लगाया है, अभी तक कोई बड़ा बिजली का कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया, और जो पुरानी सरकार में लगे भी हुए थे, जो लग रहे थे, उनको भी सरकार ने नहीं पूरा कर पाए। और जो बिजली आ भी रही है, जो आप आंकड़े में दिखाते हैं, ये वही कारखाने हैं जो समाजवादियों की सरकार में लग रहे थे, उन्हीं के कारण आपको ज्यादा बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। आप कुछ ही लोगों को सब कुछ दे देना चाहते हैं। अगर ये बात सच नहीं है तो बताएं, जो लोग थोड़ा बहुत मुस्करा देते हैं पीडीए को लेकर के। इसीलिए यही हमारा झगड़ा है कि आप कुछ लोगों को सब कुछ देना चाहते हो और जो ज्यादा आबादी में उसको नहीं देना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट्स क्या हो रहे हैं? क्या उसमें जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं पीडीए के हिसाब से हो रहे हैं कि पीडीए को मिलना है कि नहीं मिलना उसमें? इसीलिए आप डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? आप डायरेक्टर नहीं दे पा रहे परमानेंट लखनऊ में, जहां पर मरीज सबसे ज्यादा आता है। अगर सरकारी अस्पतालों का आप हिसाब किताब लगा लेंगे ओपीडी, तो लाखों लाख लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ आते होंगे इलाज के लिए। और आपकी संस्थाएं कैसी चल रही हैं? वो तस्वीरें हम लोग देखते हैं, वो जब सिफारिश करते हैं तब हम लोग महसूस करते हैं कि अगर आपको अस्पताल में एडमिट करना है तो आपको सिफारिश के बाद भी एडमिट नहीं करा सकते। इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में आप इलाज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो संसाधन, जो बजट, जो इंतजाम करना चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही। जब इंस्टीट्यूशन को चलाने वाला परमानेंट नहीं होगा तो कैसे इंस्टीट्यूशन में इलाज दिला देंगे आप? और आप कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। आपका कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं चल पा रहा है मानक के हिसाब से, वो जानबूझ करके परमानेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को इन्हें खुश रखना है। हमें कोई